शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण के लिए बीपीएससी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है और एक तरफ जहां परीक्षाएं संपन्न हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ जिन भी विषयों की परीक्षाएं हो चली है बीपीएससी ने उनके प्रोविजनल आंसर की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं ताकि अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सके और आयोग के द्वारा जारी उत्तर पर आपत्ति हो तो आयोग को सूचित भी कर सके। आयोग ने 10 दिसंबर को एक पाली में आयोजित हुई कक्षा 6 से 8 तक के अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू विषयों की आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी है और किसी उम्मीदवार को इन विषयों के किसी भी प्रश्न के प्रोविजनल आंसर पर आपत्ति हो तो वे अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही डैशबोर्ड पर आज यानी कि 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आपत्ति प्रमाणिक शोध या फिर साक्ष्य के साथ अपलोड कर सकते हैं और आयोग ने आगे नोटिस में यह भी लिखा है कि मेल या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगा। औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि या कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तो उन उत्तरों को निर्विवाद रूप से आदर्श उत्तर माना जाएगा और इन प्रश्नों पर भविष्य में कोई आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। और सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, पहले परीक्षा और तुरंत आंसर की भी बीपीएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है ताकि जिन अभ्यर्थियों को कोई आपत्ति हो तो वो इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, तो ये बड़ी तैयारी है बीपीएससी की। चलिए, तो सहयोगी प्रीतम से जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण के लिए बीपीएससी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और बीपीएससी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। एक तरफ जहां लगातार परीक्षाएं संपन्न हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ जिन भी विषयों की परीक्षा हो चली है बीपीएससी ने उनके प्रोविजनल आंसर की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं ताकि अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सके और आयोग द्वारा जारी उत्तर पर आपत्ति हो तो आयोग को समय रहते सूचित भी कर सके। आयोग ने 10 दिसंबर को एक पाली में आयोजित हुई कक्षा 6 से 8 तक की अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू विषयों की आंसर की जारी कर दी है और सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, ये बड़ी तैयारी है बीपीएससी की, जहां एक तरफ परीक्षाएं ली जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ आंसर की भी जारी कर दिया गया है ताकि अगर अभ्यर्थियों को अपना उत्तर मिलाना हो और अगर उन्हें कोई आपत्ति हो तो वो अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत तेजी से तैयारियां बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से हो रही है। हमको ये होता है कि जब परीक्षा खत्म हो जाती है उसके बाद आयोग जो है 3-4 दिनों बाद जो है वो आंसर की जारी करता है और उसके बाद जो है आपत्ति मांगी जाती है। लेकिन 7 तारीख से परीक्षाएं शुरू हुई है और 7 तारीख से परीक्षा खत्म हो रही है, 4-5 घंटे बाद ही बीपीएससी जो है आंसर की जारी कर देता है। इसका सीधा सर यह है कि बीपीएससी को काफी जल्दीबाजी है, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को काफी जल्दीबाजी है और ऐसा अनुमान लग रहा है कि जो परीक्षा के जो नतीजे हैं, 15 तारीख को आखिरी परीक्षा होनी है, उसके बाद जो है रिजल्ट भी जल्द ही घोषित हो सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बीपीएससी ने जो है जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसके उसका जो सेकेंड फेज है उसके लिए वो काफी तेजी में है। दूसरी बात यह है कि जो आठवीं बीपीएससी है उसके लिए जो है इंटरव्यू का जो है डेट जो है आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ही उसकी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा हुई थी और जो है बीपीएससी ने जनवरी यानी अगले साल जो है उसकी जो है इंटरव्यू जो है जारी कर दिया था। मांग के कह सकते हैं कि बीपीएससी जो है लगातार जो है ताबड़तोड़ जो है वो परीक्षा ले रहा है और परिणाम की घोषणा कर रहा है, लेकिन बीपीएससी को इतना इतमान जरूर अभ्यर्थियों को दिलाना होगा जो जब भी वो रिजल्ट जारी करे तो उसमें फिर कोई सवाल ना उठाए जाए जिस तरीके से फेजवन को लेकर सवाल उठाए गए हैं। जी प्रीतम, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। और बीपीएससी 68वीं संयुक्त परीक्षा के इंटरव्यू की डेट जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि 8 से 14 जनवरी तक
इंटरव्यू लिए जाएंगे और इंटरव्यू से पहले प्रमाण पत्रों की जांच होगी। 18 से 22 दिसंबर तक प्रमाण पत्रों की जांच होगी और इसके साथ ही मुख्य परीक्षा में 867 उम्मीदवार इस बार सफल हुए हैं और इससे लेकर इंटरव्यू के डेट जारी कर दिए गए हैं। सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, बीपीएससी 68वीं संयुक्त परीक्षा के इंटरव्यू डेट्स अब सामने आ गए हैं। 8 से 14 जनवरी तक इंटरव्यू लिए जाएंगे, लेकिन इससे पहले प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, क्या पूरी अपडेट इसे लेकर? हाँ जी बिल्कुल, जो प्रमाण पत्रों की जांच है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है उससे पहले किया जाएगा और तब जाके इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर आप बच्चे से, अगर आप जो संयुक्त परीक्षा होती है, जो बीपीएससी जो 68 परीक्षा है, उस पर गाइडेंस ये होता है कि इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद जो है ज्वाइनिंग के टाइम में वेरिफिकेशन होता है। 850 उम्मीदवार है इसके लिए। यहाँ पे अभी सामने एक संकट खड़ा हो रहा है कि वो इंटरव्यू की तैयारी करेंगे या फिर वो डॉक्यूमेंट कराएंगे। तो एक प्रकार से दुविधा जो है, एक तरह से दुविधा जो है अभ्यर्थियों के सामने है। लेकिन ये तय हो गया है कि जो जनवरी के पहले हफ्ते यानी 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक जो है वो इंटरव्यू लिया जाएगा। हम लोग मान के चल रहे हैं और जो अभी जानकारी भी उसके होता है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में जो है 68 बीपीएससी के जो परिणाम भी वो सामने आ जाएंगे। जी रश्मि, चलिए बहुत शुक्रिया आपका प्रीतम, तमाम जानकारी के लिए।